हेलो गाइस, मैं हूं अनु कैमरा। सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे अनु कैमरा पे। सो गाइस, आज हम फिर एक एपिसोड में आ चुके हैं। तो थंबनेल में आपने देख ही चुका होगा, ये वीडियो आज टैलेंट पॉइंट के ऊपर है। भाई यार, टैलेंट पॉइंट के ऊपर बहुत तगड़ा यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, तभी जाके वीडियो बनाया, लेकिन बहुत रिस्की है। चलो बता देंगे पूरा ऑल टैलेंट यूज बता रहा हूँ मैं आज। उससे पहले जो मतलब करेक्टर हमारा डांस कर रहा है, ये फ्री में यार, तुम लोगों ने करेक्टर को क्लेम किया नहीं किया, एवेंजर करेक्टर को जो 28 दिन में मिला था, मेरा 2 दिन का लॉस हो गया यार। मतलब 2 दिन में लॉगिन नहीं था, फिर भी इसमें 31 दिन के लिए मतलब दिया गया था। कोई बात नहीं, मैंने तो क्लेम कर लिया, फटाक से जाके तुम भी कर लो, डेली लॉगिन में मिल रहा। ठीक है। और तो उसके बाद यार, एक भाई ने हमको कमेंट किया था, वही जो है मतलब समझ रहे हो ना, ऑल टैलेंट पॉइंट का मतलब समझाओ मेरे को, जितने भी टैलेंट पॉइंट में मतलब जो है ना कि क्या क्या यूज, किसका कैसा यूज है। तो हाँ, मेरे को जहाँ तक जितना मेरे को मतलब बता सकता हूँ, मैं तुमको लाइव प्रूफ बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं टैलेंट पॉइंट में फटक से। और यहाँ पे सर्वाइवल, क्राफ्ट और बैटल, ये तीन आपको पता होगा, जिसको पता नहीं है पता है। अरे भाई, यही तो गेम का आधारित हैक वैक सब इसी में है भाई, अलाना फलाना है, किसी को करने की जरूरत नहीं है भाई। हैक यहाँ बिक रहा है सस्ता, लास्ट वाले खुद हैक भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है, जैसे कि सर्वाइवल में देख सकते हो, ड्यूरेबिलिटी बता रहा हूँ, देखो। तो इसमें लिखा है एवरी पॉइंट ऑफ टू धीस्ट, मतलब ये यार हंगर का खाने का जो मतलब यार वही है, जो पॉइंट जब बढ़ता है ना खाने से, तो खाने वाली चीज़ें तुमको ये मैं बता देता हूँ, ये उतना खास चीज़ नहीं है, ऐसे बता देता हूँ। तो खास खास चीज़ है, जो यूजफुल चीज़ है उनको ही तुम इक्विक करना, बाकी चीज़ को इक्विक मत करना। तो ये फर्स्ट में ही है, ये तो तुम्हारा खुल जाएगा, उतना यूजफुल नहीं है। तो दूसरा वाला ये स्विमिंग का है, इसको भी इक्विक मत करना, मैंने भी इक्विक नहीं किया, क्योंकि ये स्विमिंग पानी में कौन यूज़ करेगा भाई सर्वाइव में, तो पानी में सर्वाइव नहीं करना है। तो तीसरा ये फार्मिंग वाला जो मैंने इक्विक किया ग्रीन हुआ, वो उसको यूज़ करना है। और ये रेडिशन वगैरह ये खाना वाला मत करना यूज। तो एक ये यूजफुल है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, वेन टू ट्रिस्ट मतलब हंगर वगैरह 80%। तुम्हारा खाना का बार अगर तुम्हारा बड़ा रहेगा, तो तुम्हारा 0.3 मीटर तक तुम्हारा मिली का रेंज बढ़ जाएगा, मतलब खाने का खाना भी बड़ा होना चाहिए, तभी तुम्हारा रेंज भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब मिली यार, मिली का या गन का किसी का भी नहीं, हाँ मिली गन आज समझ लो तीन, मतलब थोड़ा सा हर चीज़ का रेंज बढ़ जाएगा मतलब बंदे को मानने में। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये खाने के बाहर से होगा, मतलब खाना तुम्हारा फुल होगा तभी ये काम करेगा। तो गाइस यार, ये भी अच्छा चीज़ है, तुम इक्विक कर लेना। उसके बाद आता है कैली, ये द पैर वाली रन करनी है इसमें, लेकिन हमारा एक चीज़ लॉस है, बैकपैक तुम्हारा 3 स्लॉट माइनस कर दिया जाएगा तभी रन करेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तो मैं तुमको दूसरा चीज़ बताता हूँ, जिसमें मतलब यार मतलब फ्री मूवमेंट स्पीड मिली है, इसी में बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ। उससे पहले मेरे लॉक हैं, फिर मैं इसको लॉक वालों को बताते हैं। फिर इसमें लिखा है तू रेंज फूट स्टेप्स, मतलब ये फूट स्टेप की जो मतलब होगी ना, वो मतलब 15 मिनट के लिए तुम्हारा मतलब फूड खाना बार वगैरह जो है ना वो कम नहीं होगा, तुम्हारा मरेगा नहीं तुम जल्दी जल्दी। ठीक है, तो और ये लिखा रखा है वाटर बॉटल रिस्टोर, मतलब पानी भरने के बाद तुमको ये पानी भरने की स्पीड को मतलब मिनट के हिसाब से 5.5 मिनट कम कर देगा, जल्दी बढ़ा देगा, स्पीड कर देगा। ठीक है, और उसके बाद द प्लेयर विट हिल मार्केट, मतलब ये मोको है यार भाई, फ्री फायर में समझते हो, 5 सेकेंड तक अगर किसी बंदे को मारोगे तो 5 सेकेंड तक उसको मार्क रहेगा। ठीक है, वो मतलब भाग भी जाएगा, तभी तुमको पता चल जाएगा लोकेशन 5 सेकेंड। उसके बाद आता है विन बॉट टू 3 हंगर टू 90 ऑटोमेटिकली रिस्टोर 3 HP। यार मतलब यही है कि 90 HP मतलब हंगर खाने पे तुम्हारे को 3 HP मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलेगी, वही बात है, मेट्स का है, सही है। उसके बाद ये मतलब कुछ डिवाइस है, ये मतलब बहुत सारी न्यू चीज़ें आएगी, मैंने कुछ देखा नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, वो तो उसकी रेसिपी भी यहाँ पे मिल रही है, तो यहीं से अनलॉक होती है। 200 में ये मिल रहा है, ये पहला स्टेप का है, तो ये 200 में इसका रेसिपी लर्न कर सकते हो, तो 200 टैलेंट पॉइंट देगा इसको, मतलब कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये बैकपैक का, जो 3 बैकपैक आपको मिल जाता है, मतलब यार 3 बैकपैक स्लॉट मिल जाता है सर्वाइव में, देख सकते हो, तो इसमें 3 बैकपैक आपका मतलब स्लॉट बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका ये अटैक और HP 30% HP मतलब जो भी है ये, तो इसमें 30% HP मतलब लॉस होगी, तो मतलब 10% अटैक मतलब तुम्हारा गन का अटैक, किसी का भी अटैक तुम्हारा बढ़ जाएगा, 10% बढ़ेगा, HP लॉस होगी, तो तुम्हारे किसी ने तुमको डैमेज दे दिया तो तुम्हारा समझ लो तब तुम्हारा 10% अटैक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता लास्ट यही है, खत्म है। उसके बाद आता क्राफ्टिंग में, तो ये समझ में आया गया होगा, तो अगर जो भी नहीं भी समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट करना, एक एक करके फिर से बता दूंगा। तो उसके बाद सेट ये आता है हमारा सेकंड वाला, तो इसका जो आपको पता है फर्नेस जलता है, तो उसमें एक आ करके एक एक रेडिशन वो आते हैं, तो ये मतलब वो बढ़ा देता है, इसका कुछ ज़्यादा यूज मतलब लोग बंदे लोग इक्विप कर लेते हैं, तो इसे मत यूज़ करो, इसका कोई यूज़ नहीं है, हेड स्टेटस उसी को बढ़ाता है ये, तो समझ रहे हो ना, आई होप समझ में आ जाएगा, तो इसको छोड़ देना। तो मैंने भी ये इक्विक नहीं किया था, मैं पहले दिन में इक्विक किया, लेकिन यूज़ मैं देख लिया था इसका यूज़ क्या है, फिर मैंने सारे टैलेंट को रिसेट करके दोबारा किया। तो इस फर्नेस का एक मैं बता दूंगा, फर्नेस
इसका एक ही मतलब फेसियल दे रहा है, तो इसको यूके कर लेना भाई। फर्नेस स्पीड बहुत फास्ट है ऑफिशियल में यार, माँ का समय बोल रहा हूँ क्या बताऊँ। तो यहाँ पे फिर आता है दूसरा, ये मतलब व्हीकल प्लेस करने में जो है आपको मतलब 5 HP दे दी जाएगी। मतलब अगर व्हीकल आप प्लेस करोगे ना, गाड़ी की अगर तुम बना के प्लेस करोगे तो 5 HP फ्री में मिल जाएगी। उसके बाद इजी एंटीबॉडी पॉइजन, मतलब यार समझते हो ना, वो पहले भी था और अभी ऐसे करके दे दिया गया, किसी बंदे को समझ नहीं आ रहा तो समझ रहे हो इजी एंटीबॉडी पॉइजन यहीं पर मैं भी ले सकता हूँ फिर उसको। मैं नहीं चाहता, मज़ा नहीं है, क्या करेगा खाली लेके। और ये है एक ऑटो कन्नोन, तो मतलब इससे ये होगा मतलब ऑटो कन्नोन का डैमेज इंक्रीज होगा, मतलब बंदे को ज़्यादा डैमेज आएगा, ठीक है समझ रहे हो ना, बंदे को ज़्यादा डैमेज आएगा इसको इक्विप करने के बाद। लेकिन मैंने नहीं किया है तो मैं काम की चीज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आते हैं फिर इसका ट्रैप चेस्ट भाई, ट्रैप चेस्ट जो मतलब अपडेट में भी बता दिया गया था कि ट्रैप चेस्ट कहाँ है, ट्रैप चेस्ट कहाँ है भाई, हाउ टू वेयर इज ट्रैप चेस्ट। यहाँ जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही चुका होगा ट्रैप चेस्ट यहाँ पड़ा है। ये आपको मतलब मेरा तो मेरा अनलॉक नहीं है तो इसको मैं लॉक करूँगा। 9-10 लेवल में ट्रैप चेस्ट खुला है भाई, तो ये क्राफ्ट में ट्रैप चेस्ट 10 लेवल में खुला, तो फटाक से हम इसको भी अनलॉक कर लेंगे। तो उसके बाद आगे चलते हैं डैमेज अगेन बिल्डिंग टू 3%, मतलब यार तुम्हारे किसी एनिमी की बिल्डिंग को तुम डैमेज करोगे तो 3% डैमेज ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और अनलॉक एक डिवाइस, ये मैंने बोला था बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं जिनका रेसिपी इधर मिल रहा है, 120 ऐसी मिल रहा है इसका भी, तो अभी इसका मैं क्या बताऊँ। तो यो देख लेते हैं, यो व्हीकल मेन प्लेस, मतलब किसी व्हीकल का जो तुम्हारा मेन फ्यूचर है 10% बढ़ जा रहा है, तो ये व्हीकल में ही पता चलेगा, उतना यूजफुल नहीं है। और ये यूजिंग एनर्जी, मतलब यार ये मतलब एनर्जी के गन और आर्मर को मतलब डैमेज ज़्यादा देगा, मतलब गन होगा तो डैमेज इंक्रीज होगा और आर्मर होगा तो ज़्यादा देगा। तो इसके बाद ये आता है हमारा डिमोलिशिंग, मतलब डिमोलिश की यार तुम्हारा बेस जो डिमोलिश होता है ना वो जल्दी जल्दी डिमोलिश नहीं होगा, ठीक है समझ रहे हो ना, जल्दी जल्दी टूटेगा नहीं, इसको अनेबल होगा तो तुम्हारा। उसके बाद आते हैं फिर ये मतलब नीचे लास्ट बैटल में है, तो यहाँ पे मिली का वेपन का मैंने क्लिक नहीं किया यार, क्या खेलते हैं इसे, मिली का कौन खेलता है, मैंने इसलिए बंद कर रखा है। और नीचे वाला जो है, नीचे देख सकते हो मेडिकल, तो इससे ये होता है कि मतलब रिवाइव तुम्हारा प्लेयर, जल्दी जल्दी तुम्हारा प्लेयर रिवाइव हो जाएगा फटाक से, 1 सेकंड में ही हो जाएगा समझ लो। और ये तो बहुत ही फायदे फैन है यार, रिलोड के बाद डैमेज 20% दे रहा है, तो मैं इसको भाई हमेशा एक एक करके रखता हूँ भाई, ऊपर पे देखते होंगे HP बगल में, तो ये काम करता है। और ये भी है भाई, मेरे को डैमेज देगा तो मेरा मूवमेंट स्पीड और डैमेज डिफेक्ट बॉडी डिफेक्ट ब्लेस झेल लेगा, मतलब गोली डैमेज कम पड़ेगा मेरे को, वाली बात है। और उसके बाद ये आता है व्हीकल प्लेस करने पे मेरे को 3% मूवमेंट स्पीड मिल जाएगी, यार ये भी अच्छी है, मैं भी ये भी लूँगा। और ये 6 डिफेक्ट पर 10% लॉस्ट HP, मतलब अगर बंदे को तुम मतलब यार 10% मारोगे तो 6 डिफेक्ट तुम्हारा आर्मर बन जाएगा। और इसका भी अपॉन गेटिंग वही है डिफेक्ट वाला सीन है, इसका भी 50% डिफेक्ट बनेगा, मतलब नॉक होने के बाद तुम खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा 50% बॉडी डिफेक्ट मतलब ज़्यादा हो जाएगा, एनिमी तुमको मारेगा तो एमो कम लगेगा, मतलब डैमेज कम पड़ेगा तुमको, तो यही बात है इसमें भी। तो उसके बाद मतलब यही देख सकते हो 50% डिफेक्ट फॉर 5 सेकेंड, ठीक है 5 सेकेंड के लिए होगा बस, 5 सेकेंड के लिए। उसके बाद आते हैं एटेक्स में, देख सकते हो मतलब यार एटेक्स यहाँ से लर्न कर सकते हो, मेरा भी खुल रखा है, मैं भी खोल सकता हूँ भाई एटेक्स, लेकिन मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। और ये मैट्स और फूड से तो अगर तुम खाओगे तो तुम्हारा 30% ज़्यादा मिलेगा तुमको HP या फूड का या मैट्स का, कोई सा भी किसी चीज़ का भी, ठीक है। और उसके बाद ये आता है हमारा 2% अटैक और क्या लिखा है फॉर एवरी शील्ड, मतलब यार किसी भी शील्ड में तुम्हारा 2% अटैक मतलब डैमेज बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इफ यू टू शॉट प्लेयर कंज्यूम टू हिट प्लेयर एवरी प्लेयर, मतलब ये इसमें ये लिखा है कि मतलब यार प्लेयर को तुम मतलब एक बार बार हिट करोगे तो उसको मतलब बार बार हिट होता रहेगा, मतलब एक हिट करोगे तो उसको 5 सेकंड तक हिट होता रहेगा, जैसे कि मतलब क्रोजबो वगैरह तुम फ्री फायर में मारते थे उसको हिट होता रहता है, या बीच चलाते हो वही वही सीन है इसका भी, ठीक है। तो इसमें भी वही सीन है, इसको अगर बंदे को तुम मारोगे तो उसको 5 सेकंड तक डैमेज जाता रहेगा, कितने का डैमेज आएगा वो 4% तक का डैमेज आएगा, 4% का डैमेज आप मैं नहीं जानता कितना होता है। तो उसके बाद चलते हैं फिर इसके अंदर ये वाला आता है बूस्ट एक्सप्लोजिव डैमेज, मतलब C4 वगैरह एक्सप्लोजिव में हैंडमेड सभी का डैमेज इंक्रीज आएगा इसको एनेबल करने के बाद और लगाने के बाद मतलब। और ये किसी मतलब बताया था एनर्जी एक रिकवरी बुलेट है ये भाई, ये रिकवरी बुलेट एनेबल करने के बाद बुलेट बनाओगे ना तो बुलेट में डैमेज ज़्यादा आएगा लग रहा है। हाँ डायल डैमेज टू बुलेट मतलब शॉर्ट गन का है यार भाई, शॉर्ट रेंज में अगर तुम कोई फाइट करेगा ना 10% तुम डैमेज ज़्यादा उसको बंदे को पेल सकते हो, मतलब ईजिली शॉर्ट रेंज में शॉर्ट गन का डैमेज इंक्रीज है। और विदन 5 के 3 अटैक मतलब यार समझ रहे हो ना यार, 5% मतलब मिलेगा और 3% अटैक मिलेगा टाइमिंग आउट होने के बाद यार समझ रहे हो। उसके बाद इफ यू टू नॉट फॉर विदिंग 5 सेकंड रिलोडिंग योर नेक्स्ट फायरिंग विद डायल 15% डैमेज,
मतलब ये कह रहा है कि रिलोड करोगे तुम जब 5% के बाद, तो तुम्हारा 15% डैमेज ज़्यादा जाएगा। ये वाले भी, ये अलग, इसमें गन स्विच भी करना है, ठीक है, तो तभी जाके मतलब होगा। और दूसरा आता का है कि बुलेट आपका मतलब दूर से भी मारोगे तो 10% ज़्यादा डैमेज जाएगा। और इसमें लिखा है यूर रिलोडिंग डिस्कार्ड टू रिमेमिंग, अगर तुम्हारे पास मैगजीन आएगा तो मैगजीन में अगर तुम गोली डालोगे तो उसके बाद तुम्हारा जो तुम फायर करोगे ना, मतलब यार मतलब अंदा जो फायर करोगे ना 10 सेकेंड तक, तुम्हारा 10 सेकेंड तक तुम फायर करोगे ना बंदे को, जो डैमेज जाने वाला है ना, मतलब यार क्या ही डैमेज जाने वाला है। मैगजीन होना चाहिए इसमें, तब जाके ये वर्क करेगा। मैगजीन में तुमको रिलोड करना है गोली, मैगजीन खाली डालना है पहले, खाली फर्स्ट वर्क में, ठीक है, मैगजीन खाली डाल के रिलोड करना, फिर मारना, क्या ही डैमेज आएगा बंदे को यार। मतलब यार ये मस्त चीज़ है। और इसमें लिखा है तुम्हारा 100 HP अगर तुम्हारा लॉस होगा तो तुम्हारा 30% करके तुम्हारा SP रिकवर होगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा, वो भी कितने सेकेंड तक मालूम है, वो भी 10 सेकेंड तक ही रहेगा, ठीक है, 3 सेकंड के पर स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी 30 SP, मतलब। और कूल डाउन टाइमिंग भी है इसका, कूल डाउन टाइमिंग 600 सेकंड के बाद ये मतलब फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये मतलब 600 सेकंड के बाद तुम्हारा फिर से मतलब जो कूल डाउन टाइमिंग है, HP तुम्हारा कम हुआ होगा, वो फिर से तुम रिकवर हो जाएगा। तुम मतलब 600 कूल डाउन होने के बाद तुम्हारा फिर ये करेक्टर का एबिलिटी, मतलब ये एबिलिटी करेक्टर जो सोचना है सोचो, इसका यूज फिर से होने लगेगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस यार मतलब जो मतलब अगर कोई समझ में नहीं भी आया होगा ना तो मेरे को यार कमेंट कर देना कि भाई मेरे को ये समझ नहीं आया या इसका समझ नहीं आया, तो मैं पर्सनली उसको एक एक करके बता दूंगा, इसका एकदम एकदम क्लियर यूज़ बता दूंगा, ठीक है, अगर जो नहीं आया होगा, ठीक है। तो गाइस यार मतलब यार वीडियो अगर पसंद आती है तो यार फटाक से जाके यार चैनल को जो है सब्सक्राइब मान लो यार, क्योंकि 1K के बहुत करीब है, अभी नहीं है, अभी 500 ही हो रहे भाई, जल्दी करा दो यार। तो गाइस यार फटाक से कर दो यार, कर दो फटाक से, फिर सर्वर भी आना है इंडियन यूट्यूबर, तो फटाक से एडमिन का पावर भी यूज़ करोगे और गिवे भी मैं करने वाला हूँ ना, पता है ना, तो गाइस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।